कांग्रेस न्याय यात्रा समाप्त हो गई है। गांधी मैदान में यात्रा का समापन किया गया है। राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में कांग्रेस के तमाम दिग्गज आज मौजूद दिखाई दिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ साथ दीपक बैज के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता और खुद प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट भी वहां पर मौजूद थे। 27 सितंबर को गिरौदपुरी से इस न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी। 6 दिन बाद आज 6ठा दिन है न्याय यात्रा का। आज यात्रा समाप्त हुई है और इस अवसर पर एक महारैली का आयोजन किया गया। यहां पर महाजुटान देखने को मिला, तमाम नेता मौजूद थे। सुनवाते हैं कि आज न्याय यात्रा के समापन पर तमाम दिग्गजों ने बीजेपी पर किस तरीके से हमला बोला, सुनवाइए। इस न्याय यात्रा को निकालने का उद्देश्य था कि सत्ता के नशे में चूर जो सरकार आज यहां पर बैठी रायपुर के अंदर, उनकी नींद खोलने का काम हम करना चाहते थे, जवाबदेही तय करना चाहते थे सदन के अंदर, सदन के बाहर। एक घटना हो जाए, दो घटना हो जाए, लेकिन मैंने पहली बार देखा है किसी राज्य में अगर हिंसक वारदात कहीं होती है तो कलेक्टर एसपी अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग रहे हैं। इन्होंने स्लोगन दिया विष्णु का सुशासन, और 9 महीने में विष्णु का सुशासन तार तार हो गया है। कोई क्षेत्र नहीं बचा है, कोई शहर कोई गांव नहीं बचा है जहां अपराध न बढ़े हो। छत्तीसगढ़ में चाहे आदिवासी समाज हो, सतनामी समाज हो, ओबीसी समाज हो, यादव समाज हो, साहू समाज हो, बांटने का काम करती है, दूसरा मणिपुर बनाने का काम करती है, मगर कांग्रेस कभी चुप नहीं बैठने वाले। हम लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए लड़ेंगे। आज हमारा ये न्याय यात्रा समापन नहीं हुआ है, हमारा न्याय यात्रा सिर्फ विराम हुआ है। न्याय यात्रा पत्रकार साथियों सुन लो, हमारा न्याय यात्रा विराम हुआ है कुछ समय के लिए, न रुकेगा न थकेगा न झुकेगा। ये न्याय यात्रा 12 महीने छत्तीसगढ़ के जनता के लिए बराबर चलते रहेगा। आदरणीय साथियों, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली और दीपक बैज ने कहा भी, आपने सुना कि न्याय यात्रा समाप्त नहीं हुई है, एक छोटा सा विराम दिया गया है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेन पांडे जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। मृगेन जी, जमकर बरसे हैं, जमकर गरजे हैं आज तमाम कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ में। राजधानी में दीपक बैज ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं कि आए मेरे साथ कानून व्यवस्था पर डिबेट करें। देखिए, दीपक बैज ने जो यात्रा निकाली उसके 3 मायने निकाले जा रहे हैं। 3 तरीके से उन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया। पहला, जिस मुद्दे को लेकर वो चले, पैदल चले गिरौदपुरी से, वो था कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था में अलग अलग विषयों को लेकर, विषयों को उठाया। उसके बाद आप समझिए कि किस तरीके से उन्होंने जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की। दीपक बैज का बयान ये था, भाषण ये था कि पहले भाजपा सरकार आदिवासियों पर अत्याचार करती थी, फिर एससी वर्ग को बलौदा बाजार हिंसा में टारगेट किया गया और कवर्धा में ओबीसी वर्ग को। इसको इस तरीके से समझिए कि जातिगत समीकरण किस तरीके से दीपक बैज साध सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मंच से कांग्रेस के सभी नेताओं का धन्यवाद दिया। जो गुटबाजी है कांग्रेस में, उस गुटबाजी को साधने के लिए, उस गुटबाजी को कंट्रोल करने के लिए दीपक बैज ने सभी का धन्यवाद दिया, जो नेता इस यात्रा में आए। कुल मिलाकर ये 3 मोर्चे थे जिस पर दीपक बैज ने टारगेट किया और इस यात्रा को, क्योंकि लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, हम भी सवाल पूछे कि क्या ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आगे यही समझना चाह रहा था मैं मृगेन जी की, यही विस्तृत समझना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ में दीपक बैज ने जिस तरीके से न्याय यात्रा का आगाज किया और आज समापन पर जिस तरीके से महाजुटान दिखाई दिया, अपने तमाम पहलुओं को समझाया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दिखा देते हैं अब दर्शकों को एक बार कि बीजेपी ने इस न्याय यात्रा पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, एक वीडियो जारी किया गया है और बीजेपी ने इस पोस्टर वॉर के जरिए भूपेश बघेल को कांग्रेस का भस्मासुर बताया है। तो बीजेपी की काफी तीखी प्रतिक्रिया आई है, बहुत बड़ा तंज कसा है उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर। देखिए, बीजेपी छत्तीसगढ़ ने पोस्ट किया है, यहां पर भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस का भस्मासुर बताया है। वीडियो में भूपेश बघेल को कांग्रेसी नेताओं को भस्म करते दिखाया गया है।
फिर बाद में भूपेश बघेल खुद को भस्म करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये भस्मासुर वाली ये जो पोस्टर वार है ये भी छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। विष्णु देव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने भी कांग्रेस की न्याय यात्रा पर अपनी बात रखी है। सुनवाते हैं आपको मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। वो तो क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादा उन्होंने किए थे, 2018-19 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से, और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए, और इस कारण से 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। तो जो 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास रोका, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। मृगेन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए। बीजेपी का भी पक्ष हमने दिखा दिया। मृगेन जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जब सत्ता में थे तो कुछ काम किया नहीं, लेकिन इस पर भी आप बात रखिएगा आपने, लेकिन इसके उलट एक और चीज है, आप भी बता रहे हैं तब से यही कि दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, तो क्या ये माना जाए कि चुनाव बहुत दूर है, तब तक अगर यही लगन लगता रहा तो कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे आने वाले समय में? देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से न्याय यात्रा पर टारगेट किया है वो एकदम परफेक्ट बैठता है, क्योंकि चुनाव में इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी गई थी और इसी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में जनादेश आया। आज विष्णुदेव मुख्यमंत्री, उन्होंने जो बात कही कि अन्याय यात्रा या ये यात्रा फ्लॉप है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस की सभा को काउंटर कर रहे हैं कि अपराधी इस सभा में जुटे थे और तमाम चीज़ें हैं जो दीपक बैज के खिलाफ जा रही हैं। कुल मिलाकर दीपक बैज ने एक बात और कही कि अगर 4 साल का इंतजार हम नहीं करेंगे 2 साल में इस सरकार को गिरा देंगे। हालांकि बहुत बड़े बहुमत की सरकार है, इसे गिराना है। इतना आसान वही, नहीं वही, है यही समझना चाह रहा समय पर ही होंगे। कांग्रेस पार्टी का ऑल टाइम हाई है, तभी जाकर दीपक बैज कह रहे हैं कि 4 साल का इंतजार नहीं करेंगे, 2 साल में कुछ ना कुछ तख्ता पलट करके दिखा देगी कांग्रेस पार्टी। बहुत शुक्रिया अमरीगेन जी, इतने तफसील और इतने विस्तार से कांग्रेस की न्याय यात्रा को समझाने के लिए।